नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, 28 को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार 25 दिसंबर को शिमला आएंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मेजर नरेश चौहान ने राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को दिल्ली से शिमला आएंगे। अंबुजा के नालागढ़ प्लांट के लिए राजस्थान से क्लिंकर की सप्लाई अब बिना रुकावट उत्पादन। अडानी कंपनी के दालाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने के बाद नालागढ़ के अंबुजा प्लांट के लिए क्लिंकर की सप्लाई ठप हो गई थी। ऐसे में अब नालागढ़ प्लांट ने राजस्थान से क्लिंकर मंगवाना शुरू कर दिया है। राजस्थान से रोजाना 70 से ज्यादा ट्रक क्लिंकर नालागढ़ पहुंच रहे हैं। अब नालागढ़ में बिना रुकावट सीमेंट उत्पादन हो रहा है। एक सप्ताह में अब सीमेंट उत्पादन में 10 से 15% बढ़ गया है। नालागढ़ में पहले प्रतिदिन 1.20 लाख बैग सीमेंट तैयार हो रहा था, जो अब बढ़कर 1.35 लाख तक पहुंच गया है। हर दिन 1,000 टन तक अधिक उत्पादन प्लांट में किया जा रहा है। मंडी 2 दिन में चलेगा कोरोना के नए वेरिएंट का पता। नहीं चौक मेडिकल कॉलेज के जीनोम सिक्वेंसिंग लैब में होगी जांच। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो नए वेरिएंट का पता लगाने को लिए जाने वाले सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। नए चौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब में सैंपल की जाँच होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं। नए चौक मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब जून में स्थापित हो गई है। चूड़धार और खड़ा पत्थर में बनेंगे हेलीपोर्ट, मिनटों में होगा खूबसूरत वादियों का सफर। शिमला जिले की खूबसूरत वादियों तक आसानी और जल्दी से पहुंचने के लिए हेलीपोर्ट बनाए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। चूड़धार और खड़ा पत्थर में हेलीपोर्ट बनाए जाने प्रस्तावित है। पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बागवान भी सीधे हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। सीमेंट पर संकट नहीं सुलझा मामला, प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी गठित। अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल भाड़े को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर और सोलन जिला के उपायुक्तों के मध्यस्थता करवाने के बाद भी मामला नहीं सुलझ रहा है। अब प्रदेश सरकार ने प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी में दोनों जिला के उपायुक्तों को भी शामिल किया गया है। कमेटी शुक्रवार को सचिवालय में कंपनी के अधिकारी और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। हिमाचल में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, बूस्टर डोज अनिवार्य। चीन सहित अन्य देशों में फैले कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषीष पांडा ने प्रदेश के सभी सीएमओ मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों व एमएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरएटी टेस्टिंग से अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर काम करें। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से सैंपल लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अस्पताल की लैब में जांच के लिए पहुंचाएगा। ये बात दूर दराज के क्षेत्रों के लोग खांसी व जुकाम होने पर अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि वे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने टेस्ट करवाएं। सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में वार्षिक समारोह पर लगाई रोक। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। ये रोक मंत्रिमंडल के गठन तक प्रभावी रहेगी। हालांकि इस संदर्भ में अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए गए, लेकिन उच्च अधिकारियों के हवाले से ऐसे मौखिक आदेश स्कूल प्रशासन को जारी हुए हैं। इन आदेशों में स्कूलों में अभी वार्षिक समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह नहीं करवाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही ऐसे समारोह का आयोजन हो सकेगा जिसमें मंत्री से लेकर विधायक शामिल हो सकेंगे। हिमाचल सुकू सरकार ने 6 बहुतकनीकी कॉलेज, 14 आईटीआई, 43 आयुर्वेदिक संस्थान किए बंद। हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार के समय खोले गए विभिन्न विभागों के संस्थानों और कार्यालयों को बंद करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में 6 बहुतकनीकी कॉलेज, 14 आईटीआई, 2 आयुर्वेदिक अस्पताल समेत 43 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब तक कांग्रेस सरकार विभिन्न विभागों के 404 कार्यालयों और संस्थानों को डी नोटिफाई कर चुकी है।
चोरों ने दो घरों को बनाने श्वाना लाखों के गहने व नकदी पर किया हाथ साफ। सदर पुलिस थाना के तहत आने वाले बागी गांव में दो घरों के ताले तोड़ चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चुरा ले गए हैं। दोनों ही परिवारों को उनके घर चोरी होने का पता सुबह चला। पुलिस को दी अपनी शिकायत में बागी धरेरा डाकघर बिनोला निवासी सपना देवी पत्नी पप्पू कुमार ने बताया कि उसका घर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आने वाले पलेनी घाट की नोक की ओर जाने वाली संपर्क सड़क के किनारे है। गत रात्रि को परिवार के सभी सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे व दूसरे कमरे में ताला लगा था। ताले वाले कमरे में अलमारी के अंदर जेवरात व पैसे थे। सुबह उसने पाया कि कमरे का ताला नहीं है व कुंडा भी थोड़ा टेढ़ा है। अंदर जाकर देखा तो लोहे की अलमारी का कुंडा व अलमारी सेफ का कुंडा भी टूटा पाया। हिमाचल बीजेपी भाजपा विधायक दल की बैठक 25 को चुन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। भाजपा के गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से 2022 के पार्टी के सभी प्रत्याशियों की एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया है कि भाजपा विधायक दल की बैठक 25 दिसंबर को पीटरहॉफ शिमला में होगी। इसमें पार्टी नेता प्रतिपक्ष चुन सकती है। इस संबंध में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हो चुकी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालेंगे या किसी अन्य नेता को यह जिम्मा दिया जाएगा।